Good evening to each and every one of you. I am Tangru Dame, contesting candidate for the post of President AFSU. First of all, I warmly welcome to all the delegates who come from different part of Arunachal Pradesh to participate in ensuring AFSU election in capital complex. और एक दुख का साथ कहना पड़ा, एज पर नोटिफिकेशन AFSU has served at the election schedule which was fixed from 12 to 15, 12 तारीख से 15 तारीख इलेक्शन का डेट फिक्स किया था, तो उसी हिसाब से हमारे जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट से लेके वीमेन विंग का वहाँ तक जितने भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट, सेक्रेटरी कैंडिडेट, वीमेन विंग जितना भी कैंडिडेट है प्रिपेयर किया, तो प्रिपेयर करके एज पर नोटिफिकेशन 12 टू 15 का हिसाब से आके हमने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया है और डेलीगेट्स जो है पूरा आके बैठा हुआ है। आज 17 है तो हर जगह से, हर क्षेत्र से अरुणाचल स्टूडेंट्स आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन है, कम्युनिटी वेस्ट स्टूडेंट्स यूनियन है और अरुणाचल यूनिवर्सिटी फासीगंज से आके बैठा हुआ है। 12 से आके बैठा हुआ, 13, 14, 15, 16, 17 आज तक बैठ रहा है, लेकिन अभी तक इलेक्शन का कोई फाइनल डेट नहीं है वोटिंग का, तो हम सब बहुत दुख है। और आज का दिन में आपका इलेक्शन का डेट डिक्लेयर नहीं होने के कारण से आज जितने भी डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स आया हुआ है, जितने कम्युनिटी वेस्ट स्टूडेंट आया है, खास करके अरुणाचल यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, बहुत तकलीफ में है। इनको पता नहीं है, इंडेफिनेट होके बैठा हुआ है। 12 टू 15 का फिर ऑर्डर निकलता है, फिर फर्दर ऑर्डर का हम क्या मानेंगे? दिस इज इनडेफिनेट ऑर्डर, ये एक साल लग सकता है, दो साल लग सकता है। तो आज मेनली सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम ये जो अभी गुजर रहा है, स्टूडेंट्स जो राजीवगंज यूनिवर्सिटी में है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजेस जो है उन लोगों का डेट, एग्जाम का डेट सामने आ रहा है, एग्जाम सामने आ रहा है, इलेक्शन का जोर चल रहा है, अभी सब तकलीफ में है। तो इसी हिसाब से हम लोग आज एक मीटिंग बैठा, आज ये यहाँ पे जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो बैठा हुआ है, मीटिंग बैठा, हमने 1 पॉइंट रेजोल्यूशन ये लिया है कि कल मॉर्निंग 7 बजे से हमारा वोटिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। मेरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, जितना भी ऑफिसर्स बैरियर्स है 26 जनरल इलेक्शन AFSU से, हमारा विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसका इलेक्शन को कल डिक्लेयर कर दीजिए, खास पोलिंग को कल 7 बजे से कर दीजिए। अभी सब परेशान है, यूनिवर्सिटी से जितने भी है एग्जाम को लेके बहुत परेशान है और उसी परेशान को लेके हम सह नहीं सक रहे हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं सह नहीं सक रहे हैं, वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट इलेक्शन कमिश्नर, जितना भी टीम है, जल्द से जल्द इलेक्शन को कंडक्ट कर दीजिए, खास करके कल मॉर्निंग से स्टार्ट कर दीजिए, वी आर रेडी, सब रेडी है, कल स्टार्ट कर दीजिए। नंबर टू, इलेक्शन चलते रहेगा, AFSU इलेक्शन ऐसा होता है जो डेट देता है उससे नहीं होता है, 3-4-6-5 दिन खींचा जाता है, चला जाता है, खास करके इन बिटवीन में कुछ कंट्रोवर्सी आने से, तो इसी हिसाब से मेरा राजीवगंज यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से, खास करके वाइस चांसलर सर से हमारा सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, खास करके आपका एग्जामिनेशन को प्लीज पोस्टपोन कर दीजिए, आप स्टूडेंट को पढ़ने का एक समय दे दीजिए, उसको स्टडी टाइम दे दीजिए स्टडी का, इतना नेक पॉइंट में स्टूडेंट्स बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सबका एक ही ग्रीवेंसेस है कि कल 18 का मॉर्निंग को आपका वोटिंग प्रोसेस प्लीज स्टार्ट कर दीजिए और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, वाइस चांसलर से रिक्वेस्ट है, जो एग्जाम अभी जो डेट दिया है उसे प्लीज एक्सटेंड कर दीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच।